हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका एक और नए वीडियोस में। और आज हम बात करने वाले हैं आरओ पंप के ऊपर कि आरओ पंप कितने प्रकार के होते हैं और कौन सा पंप कहाँ पे यूज किया जाता है और कितनी जीपडी की मेम्ब्रेन में कितना जीपडी का पंप यूज किया जाता है। ये सारी डिटेल्स हम इस वीडियोज में कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात होती है कि पंप हमारे कितने प्रकार के होते हैं जो कि आरओ पंप यूज किए जाते हैं, जो कि आपका मशीन में लगाए जाते हैं जिससे हमारी मेम्ब्रेन फ्लो देती है। तो ये है हमारे पास एक पंप, देख सकते हैं ये 150 जीपीडी का है। जीपीडी का मतलब होता है गैलन पर डे, यानी कि एक गैलन आपका जीपीडी का फुल फॉर्म होता है गैलन पर डे, यानी कि पर डे कितने गैलन ये कर देगा, इसको बोलते हैं फुल फॉर्म में जीपीडी, ऐसे शॉर्टकट में बोलते हैं। तो ऐसे ये जो आरओ होते हैं टोटल तीन टाइप के होते हैं। एक होता है डोमेस्टिक, ठीक है, जो कि घरों में यूज किया जाता है, उसमें आपके ये 75 जीपीडी से लेके आपका 100 जीपीडी तक यूज किया जाते हैं। और दूसरा होता है आपका कॉमर्शियल में, जो कि आपका 150 जीपीडी से लेके आपका 600 जीपीडी तक यूज किया जाते हैं। उसके बाद तीसरा होता है आपका इंडस्ट्रियल आरओ, जो कि आपका इंडस्ट्रियल में यूज किया जाता है, जो पानी बेचते हैं वो लोग यूज करते हैं, या फिर जिनका बड़ा सबमर्सिबल बड़ा बहुत बड़ा काम होता है इंडस्ट्रियल लेवल का, वो लोग यूज करते हैं इंडस्ट्रियल लेवल के पंप। तो आज हमारे पास ये रखा हुआ है, ये कॉमर्शियल का है, ये डोमेस्टिक का है। तो हम दिखाने वाले हैं आपको कि कौन कौन से पंप हैं और किस टाइप के दिखते हैं, इंडस्ट्रियल किस टाइप के होते हैं और आपका ये डोमेस्टिक वाले किस टाइप के होते हैं। ये है हमारे पास 75 जीपीडी का पंप और इसमें ये है, और हमारे पास 100 जीपीडी का पंप जो कि आप देख सकते हैं, और ये है 150 जीपीडी का, और ये है हमारे पास आपका 300 जीपीडी का, और एक और ये है आपका 400 जीपीडी का पंप है, और ये हमारा है 500 जीपीडी का, और ये हमारा है 600 जीपीडी का। तो इतने टाइप के हमारे पंप आते हैं। और ये हमारे पास एक 50 LPH का आरओ प्लांट है, और इसमें आप जो पंप लगाते हैं वो 150 जीपीडी के पंप लगते हैं। 150 जीपीडी के पंप दो लगाएंगे तो आपका आरओ प्लांट बन जाता है 50 LPH का। अगर यहीं पे आपको 100 LPH का प्लांट लगाना है तो आपको 300 जीपीडी के पंप लगाना पड़ेगा, और मेम्ब्रेन भी उसमें 300 जीपीडी की लगाना पड़ेगा। अगर आप ऐसे 25 LPH का बनाना चाहते हैं तो सिंपल सी बात है, आप 150 जीपीडी का एक पंप लगा देंगे, और वहीं पे अगर आप 100 जीपीडी का पंप लगाना चाहते हैं तो उसमें आप या तो 600 जीपीडी का एक पंप लगाएंगे या तो 300 जीपीडी के दो पंप लगाएंगे। और यहीं पे अगर 50 LPH का आपने प्लांट बनाना है तो आप 150 जीपीडी के दो पंप लगा दीजिए या फिर 300 जीपीडी का एक पंप लगा दीजिए, क्योंकि मेम्ब्रेन जितने जीपीडी का मेम्ब्रेन होगा उतने जीपीडी के आपको पंप लगाना पड़ेगा। हाँ, आप इतना कर सकते हैं, अगर आप 100 जीपीडी की मेम्ब्रेन लगा रहे हैं तो आप 100 जीपीडी का पंप एक लगा दीजिए, या फिर आप 150 जीपीडी का एक पंप लगा देते हैं तो 100 जीपीडी की दो मेम्ब्रेन वो चला लेता है। और जो आपके सस्ते वाले आरओ प्लांट होते हैं तो उनमें क्या होता है कि जो आपका ये पंप होता है जो 150 जीपीडी की ना लगा के वो 100 जीपीडी का ही पंप लगा देते हैं, इसलिए वो थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। उसके बाद ये हमारे पास आ जाते हैं इंडस्ट्रियल लेवल के पंप। आप देख सकते हैं ये हमारे पास इंडस्ट्रियल लेवल के पंप हैं। ये आपके प्लांट में यूज किया जाते हैं, जो आपके 250 लीटर बनते हैं, 100 लीटर तक बनते हैं, तो उसमें आपका यही 600 जीपीडी के पंप लगाए जाते हैं। ये जीपीडी चलता है, उसके बाद में जब आप इंडस्ट्रियल लेवल पे जाते हैं तो आपका जीपीडी ना चल के आपका एचपी में पंप चलने लगते हैं, और जो पंप जो मोटर लगा रहता है वो एचपी में होता है, 1 HP, 2 HP, 3 HP तक लगाए जाते हैं, और उसके नीचे जो हेड होता है उसको स्टेज बोला जाता है। स्टेज कितने स्टेज का आपको चाहिए, जैसे कि आप डोमेस्टिक में लेते थे उसमें बोलते थे कितने जीपीडी का पंप हमको चाहिए, इसमें बोलेंगे आपका इंडस्ट्रियल लेवल में कितने स्टेज का चाहिए, कितने HP और कितने स्टेज। इसको मैं शॉर्टकट में, कभी भी आप जब आप पंप खरीदने जाएंगे तो आपको पूछेगा कि कौन सा पंप चाहिए, तो इसमें आता है 1/11 आता है। 1/11 का मतलब है कि 1 HP 11 स्टेज का। उसके बाद 2/11 आता है, 2/15 आता है, 2/18 आता है, 2/22 आता है,
ऐसे ही 3/18, 3/22, 3/15 आता है, 3/15 थोड़ी नहीं आता है, उसके बाद 3 HP में लेंगे तो आप 3/22 मिलेगा, 3/18 मिलेगा। ये 3 HP का तब लोग ज्यादातर यूज करते हैं जब कभी भी आपको बहुत ज्यादा देर तक चलाना है पंप। अगर आप कम HP का लगाएंगे, ज्यादा स्टेज लगा देंगे, तो ज्यादा देर चलने की वजह से मोटर गर्म होने लगता है, तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है। इसलिए जो 1000 LPH के प्लांट बनाए जाते हैं या फिर 500 LPH का बनाया जाता है, सपोज दैट आपको 500 LPH का प्लांट बनाना है, तो उसमें आप 18 स्टेज का पंप लगा सकते हैं, और आपको उसमें 2 HP का लगाना चाहिए, 2 HP और 18 स्टेज, इसको बोलेंगे 2/18। अगर आप वहीं पे 2000 लीटर का बना रहे हैं तो 2 HP 22 स्टेज भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं मानूंगा वहां पे 3/22 का लगाना चाहिए। लेकिन मैक्सिमम लोग यही 3/22 सॉरी 2/22 ही लगा देते हैं, इससे कॉस्ट उनकी कम आती है। और वहीं पे अगर 250 LPH का बनाना है तो आप 1 HP का तो अच्छा नहीं रहता है, लेकिन एक आप 1 HP और 15 स्टेज का भी लगा सकते हैं, लेकिन 2/15 लगाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपको 500 LPH का लगाना है तो आप 2/18 पंप लगा दीजिए, तो उसमें ये रहेगा कि इन फ्यूचर कभी भी उसको आप 1000 LPH में प्लांट को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। तो ये है पंप का अलग अलग साइज का वेरिएशन, और कहाँ पे कौन से पंप यूज किया जाते हैं मैंने आपको डिटेल में थोड़ी सी बात कर लिया है। और इसके बारे में अगर और कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट में लिख करके बताइए, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।